हेलो क्लास 7। आज हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.1। अभी हमने इसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था। मैंने आपको बताया था कि हम जब भी फ्रैक्शन को ऐड करते हैं तो हम उसके डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। बताया था आपको, डिनोमिनेटर को सेम करना बताया था। पहले हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम के बाद डिनोमिनेटर को सेम कैसे करते हैं, सब एक्सप्लेन किया था। अब सारा का सारा आपका चैप्टर उसी चीज़ पर बेस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं एक क्वेश्चन करूँगी, बाकी क्वेश्चन आप करेंगे। ठीक है, ये देखिए, इसे क्या, अरेंज द डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, जब हम छोटे से बड़े पर जाते हैं। तो मैं आपके लिए एक पार्ट कर देती हूँ, पार्ट थर्ड। क्या है पार्ट थर्ड? 2/3, 3/4, 5/12, 9/16। ठीक है, ये है। अब हमें नहीं पता है, जब तक ये दोनों अलग अलग हैं सारे डिनोमिनेटर, तो अब हम क्या करेंगे, आप देख रहे हैं सबके डिनोमिनेटर अलग है, क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम ऑफ 3, 4, 12, 16। नहीं पता है आपको, करके देखेंगे। ठीक है, एलसीएम लीजिए इसके, 2 से गया 3, 2, 6, 8। ठीक है, फिर से 2 से जाएगा, एलसीएम तो सही बच्चों को लेना आता है, फिर से 2 से जाएगा, फिर से 2 से जाएगा, अब 3 से जाएगा, 1, 1, 1, 1 हो गया। ठीक है, तो अब देखेंगे क्या आया, मल्टीप्लाई करके 2 × 2 × 2 × 2 × 3। तो 2 × 4, 4 × 8, 8 × 16, 16 × 3 = 48। यानी एलसीएम क्या आ गया, 48। ठीक है, अब आपको देखना है 48 3 के टेबल में कहाँ आता है। वैसे तो आप बड़ी क्लास, आपको ऐसे ही डिवाइड करना चाहिए, नहीं आता है, तो आप यहाँ डिवाइड करके देखेंगे 48 3 के टेबल में कहाँ आता है। ठीक है, कहाँ आता है, 16 पर, कहाँ आता है, 16 पर। तो यानी ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई होगा, 16 से। तो 2 को हम 2/3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 16 से और नीचे भी 16 से। अब आगे चलते हैं, 48 4 के टेबल में कहाँ आता है, आप करके देखेंगे, मैं डायरेक्टली बताती हूँ, 12 पर आता है। तो 3 मल्टीप्लाई 12 करेंगे और नीचे भी 4 मल्टीप्लाई 12 करेंगे। आगे देखते हैं, 12 के टेबल में 48 कहाँ आता है, 4 पर आता है। तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 16 के टेबल में 48 3 पर आता है, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई। अब इसको सॉल्व करते हैं, 16 × 2 जो कितना होता है, 32, और 16 × 3 जो होता है 48, 12 × 3 जो होता है 36, 12 × 4 जो होता है 48, 5 × 4 जो कितना होता है 20, 12 × 4 जो कितना होता है 48, 9 × 3 जो 27 और 16 × 3 जो 48। अब देखिए सबके नीचे 48 आ गया। ठीक है, अब हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। सबसे छोटा क्या, ऊपर देखिए 20, तो 20 सबसे आगे लिखेंगे। ठीक है, अब इससे बड़ा क्या है, 27, अब इससे बड़ा क्या है, 32, अब इससे बड़ा क्या है, 36। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। लेकिन हम इसको यही नहीं छोड़ सकते, हम इसको उसी फॉर्म में लिखेंगे जिस फॉर्म में हमारा क्वेश्चन था। तो हम ये देखेंगे 28/48 किससे बना है, 5/12 से। तो यहाँ 5/12 लिखेंगे, 28/48 किससे बना है, 9/16 से, तो 9/16 आएगा। 32/48 किससे बना है, 2/3 से। ठीक है, और 36/48 किससे बना है, ये रहा, और ये बना है 3/4 से। तो ये रहा आपका डिसेंडिंग ऑर्डर, ये है आपका आंसर। ठीक है, दिख रहा है आपको, ये आपका आंसर है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, एलसीएम ही लेना है। ठीक है, हो गया क्वेश्चन सेकंड आपका। फर्स्ट और सेकंड और थर्ड तीनों पार्ट आप किस में करेंगे, कॉपी में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी ई, ये रहा ए बी ई, द रेक्टेंगल बी सी डी ई। रेक्टेंगल का भी बोला है, हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर, हमसे पूछे किसका पेरीमीटर ग्रेटर है। मैं आपको बता देती हूँ, पहले फिगर बनाएंगे हम। जब भी किसी क्वेश्चन में फिगर बनी होती है, हम सबसे पहले फिगर बनाएंगे। ठीक है, ऐसे बनी है, ये लिखा है ए, ये लिखा है बी, ये लिखा है ई, ये लिखा है सी और ये लिखा है डी। ठीक है, ये कितनी साइड दी है, 7/2 सेंटीमीटर। ये कितनी दी है, 2/3/5 सेंटीमीटर। आप इसको यहीं पे चेंज कर सकते हैं, फ्रैक्शन में बताया था 2/5 कितना हो गया 10,
10 + 3 13, 13/5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। ये कितना लिख रहा है, ये कितना है 3 × 3/4, ठीक है, सेंटीमीटर। अगर आपके यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ अलग से कर लीजिए। 3 × 3/4 सेंटीमीटर को कैसे चेंज करेंगे, 3 × 4 = 12, 12 + 3 = 15, 15/4 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और ये दी है 7/6, तो 1, 2, 3, 4 साइड दी है, हमने चारों साइड लिख लिया। अब इसने क्या बोला है, इसने बोला हमसे बोला है कि पेरीमीटर निकालो। आपको सबसे पहले बताऊंगी पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर होता है बाउंड्री, क्या होता है बाउंड्री। तो इसने हमसे पहले पेरीमीटर, ट्राइंगल का पेरीमीटर मांगा है। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी ई, ए बी ई ये रहा, ठीक है। कैसे करेंगे, ए बी प्लस बी ई प्लस ए ई, ये प्लस ये प्लस ये। अब लिख देते हैं किसका कितना है, ए बी का कितना है 72 सेंटीमीटर, प्लस बी ई का कितना है, ये मिक्स फ्रैक्शन में था हमने निकाला था, कितना था 15/4 सेंटीमीटर, प्लस ए सी कितना था, हमने चेंज कर लिया था 13/5। तो ये हमारा वही वाला क्वेश्चन हो गया जो हम ऊपर करते आ रहे थे, देखिए है ना, ये ऊपर हम ऐड करते आ रहे थे। तो यहाँ भी हमें ऐड ही करना है। तो आप क्या करेंगे, वही करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करेंगे, ठीक है, और फिर इन सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। ये आपका ए पार्ट है। बी पार्ट क्या है, देखिए सेकंड पार्ट देखिए इधर क्या है, इस हमसे पूछा रेक्टेंगल निकालो। ये देखिए रेक्टेंगल क्या है, बी सी डी ई। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बी सी डी, फॉर्मूला याद है आपको क्या होता है, फॉर्मूला होता है 2 × L + B। इसमें देखिए लेंथ ये है और ब्रेथ ये है, तो 2 लिखा, लेंथ क्या है, ये है लेंथ, इसको हमने सॉल्व किया था 15/4 आया था, प्लस ब्रेथ क्या है, ये 7/6, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पहले से ऐड करेंगे, ये मैं आपके लिए कर देती हूँ, ठीक है। 2 को बाहर ही छोड़ेंगे, आप पहले इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 12 आएगा, कितना आएगा 12, आप करके देखेंगे, ठीक है, मुझे डायरेक्टली पता है तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ। तो 12 × 4 में क्या आता है 3 पे, तो ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई होगा 3 से। 6 × 10 में 12 का आता है 2 पर, तो ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से, ठीक है। इसको सॉल्व किया हमने, 2 बाहर ही रहेगा, 15 × 3 = 15 होता है 45, प्लस ये क्या हो गया 12 प्लस 7 × 2 = 14 और नीचे हो गया 12। अब पीछे लिखते हैं इसे एक बार, क्या था 2 45/12 प्लस 14/12, ठीक है। अब हम इसे ऐड कर देते हैं, डिनोमिनेटर सेम है, तो अब देखिए इसका डिनोमिनेटर सेम हो गया, हम इसको ऐड करेंगे। 45 में आप 14 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 59, और ये क्या है 12। मैंने आपको बताया था ब्रैकेट और नंबर के बीच में अगर कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये देखिए क्या होता है मल्टीप्लाई में, सामने वाले मल्टीप्लाई होते हैं लेकिन जो ऊपर नीचे होते हैं वो कट सकते हैं, तो हम इसको काट देते हैं। 2 × 1 = 2 और 2 × 6 = 12, तो आंसर आपका क्या हो गया 59/6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए इसमें इसने एक और क्वेश्चन पूछा है, हूज पेरीमीटर इज ग्रेटर। तो जब दोनों का आंसर आ जाएगा ना, फिर से आप दोनों का डिनोमिनेटर सेम करेंगे, ठीक है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम करेंगे और फिर आपको पता लग जाएगा कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया था, हमें नहीं पता ना देखकर कि छोटा है कि बड़ा है, तो इसमें अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तब तो आप सीधा बता देंगे, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है दोनों के तो आप डिनोमिनेटर पहले सेम करेंगे फिर बताएंगे, ठीक है। दिक्कत हो आप दोबारा पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अभी देखिए अ रेक्टेंगुलर शीट दिए हमें जो इतने सेंटीमीटर लॉन्ग है इतने सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। वही फॉर्मूला पहले आप लिखेंगे, क्वेश्चन 4 लेंथ कितनी है 13 1/2 सेंटीमीटर, चेंज कर लेंगे इसे, 13 × 2 = 26 प्लस 1 = 27/2, ठीक है। ब्रेथ कितनी है 9 2/3 सेंटीमीटर, चेंज करिए 9 × 27 + 2 = 29/3,
डिनोमिनेटर सेम नहीं है, सेम करेंगे और फिर फॉर्मूला में पुट करेंगे। अभी बताया था फॉर्मूला पेरीमीटर का क्या होता है, 2 × L + D। ठीक है, लेंथ में डालिए, ब्रेथ में डालिए, सॉल्व कीजिए, खुद करेंगे आप। ठीक है, अभी के लिए हम इतना ही कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करेंगे। क्वेश्चन 4 तक सब बच्चों को कंप्लीट हो जाना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स।